नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सीए राजेंद्र अरोड़ा और मेरे साथ है आज सीए सुशील गुप्ता जी। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक ऑन जीएसटी डिस्कस करने के लिए, और वो है सर्कुलर नंबर 26। ये सर्कुलर हमें ये बताता है दोस्तों कि जो हमारी 3B में गलतियां थी वो कैसे ठीक की जाए। दोस्तों, इससे पहले भी एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 7, जो कि 1 सितंबर को आया था। उसमें उन्होंने बताया कि अगर आपने कोई 3B में गलती की है या 1 में गलती की है तो आप 2 और 3 में उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 और 3 का समय, क्योंकि वो एक्सटेंड हो गया, वो नहीं आए, तो उसलिए वो गलतियां ठीक करने का तरीका हमारे पास नहीं रहा। उसको सब्स्टिट्यूट करते हुए ये सर्कुलर नंबर हमें बताया गया, और हमें ये बताया गया कि अगर आपने 3B में कोई गलती कर दी है तो आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इस सर्कुलर में ये बताया जा रहा है दोस्तों कि अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिक मंथ, मान लीजिए मार्च महीने में आपने कोई 3B में गलती कर दी, तो जो डिफरेंशियल फिगर है, मान लीजिए मार्च महीने में कोई इनपुट आउटपुट या कुछ भी आपने कम या ज्यादा ले लिया है, तो जो डिफरेंशियल है उस महीने में तो आप एडजस्ट कर नहीं सकते, आपको सब्सिक्वेंट मंथ के 3B में ही एडजस्ट करना है। नेगेटिव फिगर ले नहीं सकते आप किसी भी महीने के 3B में। तो अगर मान लीजिए इफेक्ट जो है गलती को ठीक करने का, रेक्टिफाई करने का, वो नेगेटिव है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, या फिर अगर वो रिफंडेबल है तो उसका रिफंड क्लेम कर लीजिए। दोस्तों, 7 तरह के कॉमन एरर्स जो हैं वो यहां पर हमें बताए गए हैं कि ये 7 तरह के कॉमन एरर्स हैं, मैं आपके सामने वो पढ़ रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए लायबिलिटी वॉज अंडर रिपोर्टेड, लायबिलिटी वॉज ओवर रिपोर्टेड, लायबिलिटी रॉन्गली रिपोर्टेड, आईटीसी अंडर रिपोर्टेड, आईटीसी ओवर रिपोर्टेड और आईटीसी रॉन्गली क्लेम्ड, और लास्ट में मैंने कोई कैश लेजर रॉन्गली अपडेटेड, मतलब कैश लेजर रॉन्गली अपडेटेड मतलब C+S की जगह I और I की जगह C+S पे कर दिया। इन 7 तरह के कॉमन एरर्स के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं कि आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप अपने 3B को जितनी बार मर्जी चाहे एडिट कर सकते हैं बिफोर ऑफसेट। जैसे ही आपने लायबिलिटी ऑफसेट कर ली, वो डाटा फ्रीज हो जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो बिफोर ऑफसेट आप ध्यान रखें, पूरी की पूरी पूरा ध्यान रखें इस बात पर कि ऑफसेट करने से पहले आप ये मैच करें कि आपकी फिगर सारी की सारी ठीक है या नहीं है। पहली गलती जो कॉमन एरर है, मैं सुशील जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शुरू करें। जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि हमारे पास एक फैसिलिटी है एडिट करने की, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो एरर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले आप अपनी जो 3B की रिटर्न है वो आप ऑफसेट, जो लायबिलिटी है वो आप ऑफसेट भी कर चुके हैं और जो रिटर्न है वो फाइल भी कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम एडिट की स्टेज पर हैं तब तो जाहिर सी बात है हम अब जो भी गलती करेंगे वहीं पर ही सुधार लेंगे। तो हम जितनी भी करेक्शन या जो गलतियां हैं डिस्कस कर रहे हैं ये मानकर चल रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं। तो जो पहली गलती है वो है लायबिलिटी वाज अंडर रिपोर्टेड। इसका मतलब ये है कि या तो आपने अपनी सप्लाई नहीं बताई या जो बताई है वो आपने अपनी सप्लाई कम बताई है। तो इस केस के अंदर आपने क्या करना है, जिस मंथ में आपको अपनी जो गलती है, जो एरर है मालूम चलती है, तो उस मंथ का जो आपने 3B फाइल करना है उसके अंदर जो आपका डिफरेंशियल अमाउंट था, जो आपने कम रिपोर्ट करा था, वो उतने अमाउंट से अपनी जो आउटपुट सप्लाई है वो अब आप इंक्रीज कर देंगे। और जो इंक्रीज करने के बाद जो आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आएगी उसको आपने विद इंटरेस्ट पे करना है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब हमने जो पे करना है वो हमको सिर्फ कैश में ही पे करना है या आईटीसी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम दोनों तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि सपोज मेरी जो गलती हुई थी वो हुई थी जुलाई के मंथ में, अब मेरे को अपनी गलती मालूम चली है अगस्त या सितंबर के मंथ में आकर के, तो मैंने जितना आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करा था सितंबर के मंथ में सिर्फ मैक्सिमम उतना ही मैंने आईटीसी से एडजस्ट करना है और बाकी मैंने कैश में पे करना है। साथ में दोस्तों यहां पर मैं ये और बता दूं आपको कि हमने जितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अब जमा करनी है, चाहे मैं आईटीसी के यूटिलाइजेशन से करूं या कैश में पेमेंट करूं, मेरे को दोनों केस में विद इंटरेस्ट जमा करना है। और साथ ही मेरे को जो उस मंथ की जो GSTR 1 है उसके अंदर भी मेरे को जो इनवॉइसेस मेरी अनरिपोर्टेड या अंडर रिपोर्टेड रह गई थी उनको मैंने वहां पर रिफ्लेक्ट करना है GSTR 1 में। सर, उसमें जो मतलब GSTR 1 में जो अगले महीने के GSTR 1 में पिछले महीने के इनवॉइसेस जो अंडर रिपोर्ट रह गए थे,
तो पिछले महीने की डेट डालकर ही हम लोग उसमें जीएसटीआर में अगले महीने की डालेंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि हम अगर पिछले महीने की डालेंगे तभी ही जब रिकॉन्सिलिएशन होगा तब मालूम चलेगा कि मेरे कौन से मंथ की आउटपुट सप्लाई थी। ये जानना जरूरी है कि अगले महीने के जीएसटीआर वन में मैं इनवॉइसेस अगर पिछले वाले छूट गए तो पिछले महीने की डेट डालकर ही अगले महीने के जीएसटीआर वन में इनवॉइसेस को डालूंगा, उस महीने की डेट नहीं डालूंगा, ध्यान रखिएगा। अगला सिचुएशन आता है लायबिलिटी, सर ने बोला लायबिलिटी अंडर रिपोर्टेड, अगली सिचुएशन आती है लायबिलिटी ओवर रिपोर्टेड। एक इनवॉइस दो बार चढ़ गया, 1,00,000 रुपए का एक इनवॉइस था, उसके ऊपर 18% की लायबिलिटी थी, दो बार चढ़ गया, 18,000 मैंने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया। अगले महीने के 3B में आप क्या करो दोस्तों कि उस 1,00,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स इंपैक्ट है अपने आउटपुट में से उसको रिड्यूस कर दो, और अगले महीने के जीएसटीआर 1 में एक टेबल नंबर अमेंडमेंट 9 है उसमें जाकर पिछले महीने का वो इनवॉइस जो एक्स्ट्रा चढ़ गया था उसको अमेंड कर दो, डिलीट कर दो, ताकि इंपैक्ट मैच हो जाए। ये आपने अगला ये करना है। अगली बात सर बताएं। और सर अगर सपोज मेरा अगर उसमें एक्स्ट्रा रिपोर्ट हुआ हुआ है, इनवॉइस मेरा 5,00,000 का था, मैंने रिपोर्ट कर दिया 6,00,000 का, तो वो भी हमने अमेंडमेंट टेबल के जो टेबल 9 अमेंडमेंट किया उसके थ्रू ही उसके थ्रू भी करेक्शन करनी। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सही है कि अगर एक ही इनवॉइस सेम है, दो इनवॉइसेस नहीं है, इनवॉइस 5,00,000 की जगह 15,00,000 का चढ़ गया, तो मैं उस इनवॉइस को भी करेक्ट कर सकता हूँ टेबल 9 के थ्रू ही। अगली सर बात सर बताएं। अगला है लायबिलिटी रॉन्गली रिपोर्टेड। इसका मतलब ये है मेरी जो लायबिलिटी बनती थी, मेरी बनती थी इंटरस्टेट की, लेकिन मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया इंट्रास्टेट में, या बनती थी मेरी इंट्रास्टेट और मैंने उसको इंटरस्टेट रिपोर्ट कर दिया, तो इसमें मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में जब मेरे को एरर अपनी मालूम चलती है, मेरे को उस 3B के अंदर जो मेरी एक्चुअल लायबिलिटी बनती थी मैंने उसको इंक्रीज कर देना है, और जो मेरी लायबिलिटी नहीं बनती थी जो मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर रखी है वो मैंने उसको रिड्यूस कर देना है, और जो मेरी जो एडिशनल अब लायबिलिटी बनती है, सपोज मैंने इंटरस्टेट कम रिपोर्ट करा था पहले, या मेरे को अपनी इंटरस्टेट सप्लाई बढ़ा देनी है, तो उसकी वजह से जो मेरी एडिशनल लायबिलिटी बनती है वो मेरे को विद इंटरेस्ट जमा करना है, और जो मेरे को रेक्टिफिकेशन है वो मेरे को फाइल करनी है जीएसटीआर 1 में भी थ्रू टेबल 9 जैसे हमने पहले बताया था। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर रिपोर्ट किया। मान लीजिए इनपुट टैक्स आपने 1,00,000 रुपए का लेना था और आपने उसको 10,000 रुपए का लिया और 90,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका रह गया, तो आप क्या करो कि अगले महीने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 90,000 का रह गया था आप उसको क्लेम कर लो, और यहां पर क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई की बात नहीं है, जीएसटीआर 1 में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गई, तो जीएसटीआर 1 में कोई एक्शन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अगली बात सर। अगला है इनपुट टैक्स क्रेडिट ओवर रिपोर्टेड। इसका मतलब ये है कि मेरा जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बनता था मैंने उससे ज्यादा रिपोर्ट कर दिया, मतलब इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने ले लिया, तो सब्सिक्वेंट मंथ के अंदर मेरे को उसको रिवर्स कर देना है, और अगर मैंने उसको यूटिलाइज भी कर लिया है तो मेरे को विद इंटरेस्ट रिवर्स करना है, और अगर मैंने उसको यूटिलाइज नहीं करना है तो मेरे को सिर्फ उसको रिवर्स करना है। अगली सिचुएशन आती है दोस्तों कि मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्ग वेल कर लिया, रॉन्ग क्रेडिट ले लिया, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास सेंट्रल टैक्स का क्रेडिट था और मैंने आईजीएसटी का क्रेडिट ले लिया, तो अब क्या करूं, उस महीने आईजीएसटी का क्रेडिट बढ़ गया, सेंट्रल टैक्स का क्रेडिट घट गया, तो सेंट्रल टैक्स की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी मुझे, पहली बात। दूसरी बात, अगले महीने की 3B में मैं आईजीएसटी का जो पिछले महीने ज्यादा क्रेडिट ले लिया था उसको रिड्यूस करूंगा, और सेंट्रल टैक्स का क्रेडिट जो पिछले महीने नहीं लिया था उसको इंक्रीज करूंगा। ये सिचुएशन रहेगी, और ऑफकोर्स ये आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, तो जीएसटीआर 1 में भी इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आखिरी पॉइंट सर, लास्ट है कैश लेजर रॉन्गली अपडेटेड। मतलब मेरी जो लायबिलिटी बनती थी मेरी सीजीएसटी और एसजीएसटी की बनती थी, लेकिन चलान जमा करते वक्त मैंने उसको आईजीएसटी में डिपॉजिट कर दिया, तो जब मैं अपने 3B फाइल करूंगा तो मेरे को जो एक्चुअल लायबिलिटी बनती थी वो मेरे को जमा करवानी होगी, और जो मैंने गलत जमा करवा दिया है जीएसटी उसके लिए मेरे को या तो मैं उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूँ, और अगर मेरे को लगता है मेरे को रिफंड की जरूरत नहीं है मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, नेक्स्ट मंथ में मेरी आउटपुट सप्लाई होगी तो मैं उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। So, दोस्तों ये तो 7 कॉमन एरर्स थे जो कि डिपार्टमेंट ने विजुलाइज किए हैं कि भाई अगर ये सर्कमस्टेंसेस होंगे तो आप ये पर्टिकुलर एक्शंस ले सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता लगता रहे, हम सब मिलकर अब एक दूसरे की नॉलेज बढ़ाते रहें। सुशील जी का यहाँ आने के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।